वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फाइनल लेक्चर ऑफ द सेम चैप्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. इन दिस लेक्चर वील ट्राई टू लर्न हाउ टू फाइंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. सपोज वी हैव बीन गिवन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, 2 और 3 सीरीज, देन हाउ कैन वी फाइंड द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को देखते हैं, फिर हम उस फॉर्मूला की डिटेल्स को समझेंगे. लेट्स ट्राई कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, 2, 3 सीरीज. यही हमने इंट्रो में लिखा हुआ है. जस्ट एज इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द कंबाइंड मीन ऑफ 1 और 2 सीरीज ऑफ द 2 और मोर ग्रुप. आपने कंबाइंड मीन पढ़ा था, अगर आपको याद हो हमने मीन वाले चैप्टर में कंबाइंड मीन प्रॉपर्टी ऑफ द मीन पढ़ा था अच्छी तरह से. कहता है सिमिलरली द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 3 ग्रुप्स इज डिनोटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 1, 2, 3. इसको बोलेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 ग्रुप्स एंड इज कंप्यूटेड एज फॉलो. ये फॉर्मूला है हमारे पास. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, 2, 3 सीरीज 3 ग्रुप्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट n1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वेयर प्लस n2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वेयर प्लस n3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 का स्क्वेयर प्लस n1 इंटू d1 का स्क्वेयर. ये d1 क्या है इसको हम समझेंगे डिटेल में. प्लस n2 इंटू d2 का स्क्वेयर प्लस n3 इंटू d3 का स्क्वेयर अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट सीरीज, नंबर ऑफ आइटम्स इन सेकेंड सीरीज, नंबर ऑफ आइटम्स इन थर्ड सीरीज. अब समझते हैं ये d1 क्या है. d1 है हमारे पास मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज माइनस कंबाइंड मीन. मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज माइनस कंबाइंड मीन. कंबाइंड मीन आपको अच्छी तरह से पता है कैसे निकालते हैं. कंबाइंड मीन ऑफ 1, 2, 3 सीरीज इज इक्वल टू मीन ऑफ फर्स्ट इंटू नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ फर्स्ट, मीन ऑफ सेकेंड इंटू नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सेकेंड, मीन ऑफ थर्ड इंटू नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ थर्ड अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट, इन सेकेंड एंड इन थर्ड सीरीज. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन. अब जो d1 है वो क्या है. d1 है मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज जो हमें गिवन होगा और कंबाइंड मीन हम उसमें निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा d1. d2 क्या होगा, मीन ऑफ द सेकेंड सीरीज माइनस कंबाइंड मीन. d3 क्या होगा, मीन ऑफ द थर्ड सीरीज माइनस कंबाइंड मीन. इसको बोलेंगे d1, d2, d3. वेयर मीन ऑफ 1, 2, 3 इज अ कंबाइंड मीन. n1 का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट सीरीज, n2 का मतलब नंबर ऑफ आइटम इन सेकंड सीरीज, n3 का मतलब नंबर ऑफ आइटम इन थर्ड सीरीज. σ1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सीरीज, σ2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड सीरीज, σ3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ थर्ड सीरीज और d1 मैंने बताई दिया डिविएशन ऑफ द मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज फ्रॉम कंबाइंड मीन. d2 का मतलब डिविएशन ऑफ द मीन ऑफ सेकंड सीरीज फ्रॉम द कंबाइंड मीन. d3 का मतलब डिविएशन ऑफ द मीन फ्रॉम थर्ड सीरीज फ्रॉम द कंबाइंड मीन. तो ये हो गया सारी हमारे पास क्या क्या वेरिएबल क्या है और फॉर्मूला क्या है. फिर से एक बार ध्यान से इस फॉर्मूले को देख लो क्योंकि ये समझ आएगा तभी हमें अगले दोनों न्यूमेरिकल जो हमने करने हैं वो समझ आएंगे. फिर सुन लो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, 2, 3 ये बिल्कुल लेफ्ट में जो आपके रेड से आपके देख रहे हो मैं वो फॉर्मूला बोल रहा हूं. आप एक बार ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, 2, 3 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ n1 मतलब नंबर ऑफ आइटम इन फर्स्ट सीरीज इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सीरीज का स्क्वेयर प्लस नंबर ऑफ आइटम इन सेकेंड सीरीज इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड का स्क्वेयर प्लस n3 नंबर ऑफ आइटम्स इन थर्ड सीरीज प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ थर्ड सीरीज का स्क्वेयर प्लस n1 वही हो गया नंबर ऑफ आइटम इन फर्स्ट सीरीज इंटू पहला क्या है d1 का स्क्वेयर मतलब डिविएशन ऑफ द मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज फ्रॉम कंबाइंड मीन. n2 इंटू d2 का स्क्वेयर मतलब डिविएशन ऑफ द मीन ऑफ सेकेंड सीरीज फ्रॉम कंबाइंड मीन. देन n3 नंबर ऑफ आइटम इन थर्ड सीरीज इंटू डिविएशन ऑफ द मीन ऑफ थर्ड सीरीज फ्रॉम कंबाइंड मीन अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट सीरीज प्लस n2 नंबर ऑफ आइटम इन सेकंड सीरीज प्लस n3 नंबर ऑफ आइटम इन थर्ड सीरीज. ये फॉर्मूला है कंबाइंड मीन का.
ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये समझ आ जाएगा तो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएगा, आप कर लोगे। अगर ये समझ नहीं आया तो उस न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। अब हम न्यूमेरिकल नंबर वन इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं। टू सैंपल्स ऑफ, ध्यान दो, अब ये जो आपने ब्लू में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है, टू सैंपल्स ऑफ द साइज 100, मतलब एन वन कितना हो गया 100 एंड 150 यानी एन टू हो गया 150 हैव द मीन्स, उसमें मीन दिया हुआ है, मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज इज 15, ये देखो, मीन ऑफ द सेकेंड सीरीज इज 16 एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस आर, फर्स्ट सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन 3, सेकेंड सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन 4, ये देखो। अब कहता है फाइंड द कंबाइंड मीन, एक तो हमें कंबाइंड मीन निकालना है एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ साइज 150, मतलब क्योंकि दोनों सीरीज में देखो ऑफ साइज 250, नॉट 150, इट इज साइज 250, तो 250 का मतलब n1 प्लस n2, 100 प्लस 150। अब देखो पहले तो कंबाइंड मीन निकालना है दो सीरीज का, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज इंटू नंबर ऑफ आइटम इन फर्स्ट सीरीज, मीन ऑफ द सेकेंड सीरीज इंटू नंबर ऑफ आइटम इन सेकेंड सीरीज अपॉन मीन नंबर ऑफ आइटम इन फर्स्ट सीरीज प्लस सेकेंड सीरीज। तो बहुत सिंपल, मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज दिया हुआ है 15, नंबर ऑफ आइटम इन द फर्स्ट सीरीज 100, मीन ऑफ द सेकेंड सीरीज 16, नंबर ऑफ आइटम इन द सेकेंड सीरीज 150 अपॉन 100 प्लस n2 कितना है 150। सॉल्व किया, 1500 प्लस 2400 अपॉन 250, सिंप्लीफाई किया, कंबाइंड मीन आ गया 15.6, ये आ गया कंबाइंड मीन। अब आपको पता है फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको d1 भी चाहिए, तो d1 का मतलब डिविएशन ऑफ द कंबाइंड मीन, कैसा, डिविएशन ऑफ द फर्स्ट सीरीज मीन फ्रॉम द कंबाइंड मीन, d2 का मतलब डिविएशन ऑफ द सेकेंड सीरीज मीन फ्रॉम द कंबाइंड मीन। तो ये देखो हमने यही किया, d1 इज इक्वल टू मीन ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ 15 माइनस 15.6, तो ये आ गया माइनस 0.6, सेकेंड है 16 माइनस 15.6, ये आ गया 0.4 पॉजिटिव वैल्यू। बस अब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, अब तो फॉर्मूले में पुट करना है, तो हमारे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखो यहीं से डिराइव हुआ है, ध्यान से देख लो, मैं फॉर्मूला पढ़ रहा हूं, इसको सर्कल करके ध्यान से आप बोर्ड पे ध्यान दो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इज अ स्क्वेयर रूट ऑफ n1, मतलब नंबर ऑफ आइटम इन द फर्स्ट सीरीज इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सीरीज का स्क्वेयर प्लस n2, मतलब नंबर ऑफ आइटम इन द सेकेंड सीरीज इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकेंड सीरीज का स्क्वेयर प्लस n1, मतलब फिर वही हो गया नंबर ऑफ आइटम इन द फर्स्ट सीरीज इनटू d1, d1 क्या है मैंने बताया था, डिविएशन ऑफ द मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज फ्रॉम कंबाइंड मीन का स्क्वेयर प्लस n2 यानी नंबर ऑफ आइटम इन द सेकेंड सीरीज इनटू d2, d2 का मतलब हो गया डिविएशन ऑफ द मीन ऑफ सेकेंड सीरीज फ्रॉम द कंबाइंड मीन का स्क्वेयर अपॉन n1 प्लस n2 यानी 100 प्लस 150 250। अब मैंने वैल्यूज पुट किए, देखो n1 कितना है 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ये 3 का स्क्वेयर हो गया, n2 कितना है 150 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन 4 का स्क्वेयर हो गया, प्लस फिर n1 दोबारा आ गया 100 प्लस 0.6 का स्क्वेयर, n2 आ गया 150 इनटू 0.4 का स्क्वेयर, सिंप्लीफाई कर लिया 100 इनटू 9 प्लस 150 इनटू 16 प्लस 100 इनटू 0.6 का स्क्वेयर 0.36 प्लस 150 इनटू 0.4 का स्क्वेयर 0.16, आगे और सिंप्लीफाई किया अपॉन आ गया 250, ये किया 900 2400 36 24 अपॉन 250, सिंप्लीफाई किया 3360 अपॉन 250, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया स्क्वेयर रूट 13.44, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आ गया कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3.6 आंसर। जब इसे आप दोबारा ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, इसीलिए मैंने बोर्ड आपके सामने क्लियर कर दिया ताकि आपको ये पता चल जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो, और वैसे भी ये मैंने न्यूमेरिकल आपकी बुक में से लिया टीआर जैन से, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको जल्दी से और क्लियर हो जाए। अब चलते हैं इसी में एक सेकेंड टाइप न्यूमेरिकल की, ध्यान से देखो रेड की तरफ, रेड से लिखा हुआ है
राइट हैंड साइड की तरफ. फॉर अ ग्रुप कंटेनिंग 100 ऑब्जर्वेशंस द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आर. अब ये ग्रुप ले रहा है, कंबाइंड मीन बता रहा है हमें, तो कंबाइंड मीन 8 है और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10.5 है, ये ऑलरेडी गिवन है, ध्यान देना. फॉर द 50 ऑब्जर्वेशन, अब इन 100 में से कहता है अगर 50 ऑब्जर्वेशन की बात करें, सिलेक्टेड फ्रॉम 100, देखो 100 में से उसने सिलेक्ट की, द मीन मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट सीरीज 2. अब वो कहता है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अदर. अदर का मतलब मीन, हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो हमें मीन ऑफ द सेकेंड फाइंड करना है, ये मीन ऑफ द सेकेंड है, और उधर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकेंड फाइंड करना है. दीज टू वी हैव टू फाइंड. अगर मैं आपके सामने ये सर्कल में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अब आपको किस तरह से चलना है, ध्यान से सुनते जाओ. देखो अब सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं, हमें n गिवन है, ध्यान दो, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, और कंबाइंड मीन बता रहा है उसका कितना है 8. देखो ध्यान से, मैं यहां पर सर्कल करता जा रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं, n 100, कंबाइंड मीन 8, और स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड है स्क्वेयर रूट 10.5, ये स्क्वेयर रूट में ही गिवन है. ठीक, मैंने सर्कल कर दी तीन चीजें आपके सामने. n1 वो कहता है 50, अगर 50 ऑब्जर्वेशन तो n1 कितना हो गया 50, उसका फर्स्ट सीरीज का मीन है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन वो बोल रहा है 2, ये आ गया. अब कहता है बताओ कि मीन ऑफ सेकंड क्या होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड क्या होगा, तो हमें n2 निकालना पड़ेगा, 100 माइनस n1 हो जाएगा n2, तो इसका मतलब 100 टोटल है, उसमें से n1 50 है तो n2 भी 50 हो गया, ये आ गया 50, 100 माइनस 50 इक्वल टू 50. अब हमने क्या करना है, देखो ध्यान से, अब हमारे पास है मीन ऑफ, ये देखो कंबाइंड मीन, ये रहा हमारे पास कंबाइंड मीन, इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला, अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, यहां भी हमने पढ़ा, अब फिर पढ़ रहे हैं. देखो ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लिखा है, मैं सर्कल कर रहा हूं, कंबाइंड मीन इज इक्वल टू मीन ऑफ फर्स्ट इंटू n1 प्लस मीन ऑफ सेकेंड इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2, और अब हमने वैल्यू पुट कर दी 8, कंबाइंड मीन हमें पता है, ये देखो कंबाइंड मीन 8 हमें गिवन है, 10 इंटू 50, देखो n1 कितना है, ये रहा हमारे पास मीन ऑफ द फर्स्ट कितना है 10 और n1 कितना है 50, प्लस मीन ऑफ द सेकेंड हमें नहीं पता निकालना है, इंटू 50 n2 है अपॉन 100, हमने सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 500 प्लस 50 मीन ऑफ सेकेंड इक्वल टू 800, ये इधर चला गया 800, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया मीन ऑफ सेकेंड इज 6, ये देखो, तो मीन ऑफ सेकेंड तो हम निकाल चुके, ये देखो ये वाला सॉल्यूशन तो आ गया, मीन ऑफ सेकेंड इज 6, एक तो हमने फाइंड कर लिया. अब हमें d1, मैंने बताया था d1 क्या होता है, डिविएशन ऑफ द मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज फ्रॉम द कंबाइंड मीन, ये d1 कैसे निकालेंगे, d1 मतलब मीन ऑफ द फर्स्ट सीरीज कितना है 10 और कंबाइंड मीन कितना दिया हुआ 8, 10 माइनस 8 2. d2 क्या है, डिविएशन ऑफ द मीन ऑफ द सेकेंड सीरीज फ्रॉम कंबाइंड मीन, तो क्या है ये d2 कितना हमें निकला, अभी निकाला है हमने, देखो मीन ऑफ द सेकेंड 6 और कंबाइंड मीन 8, तो 6 माइनस 8 माइनस 2. अब सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, बस हमें सिर्फ अब स्टैंडर्ड डेविएशन सेकेंड का फाइंड करना है, ये वाला, तो बस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, ये देखो ये हमारा फॉर्मूला है, मीन ऑफ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 और 2 सीरीज इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट नंबर ऑफ आइटम्स इन द फर्स्ट सीरीज इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट का स्क्वेयर, नंबर ऑफ आइटम इन द सेकंड सीरीज इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड का स्क्वेयर, प्लस फिर देखो नंबर ऑफ आइटम इन द फर्स्ट सीरीज इनटू डेविएशन ऑफ द मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज फ्रॉम कंबाइंड मीन, प्लस नंबर ऑफ आइटम ऑफ द सेकंड सीरीज इनटू डेविएशन ऑफ द मीन ऑफ सेकंड सीरीज फ्रॉम कंबाइंड मीन अपॉन नंबर ऑफ आइटम इन द फर्स्ट सीरीज प्लस नंबर ऑफ आइटम इन द सेकंड सीरीज. अब पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, हमारे पास है, ये देखो ध्यान से एक एक चीज को देखते जाओ, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये गिवन है, मैं टिक कर रहा हूं, ये हमने यहां पे नोट कर लिया 10.5 इज इक्वल टू, ठीक ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट n1, हमें पता है n1 50 है तो हमने 50 लिख दिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर, ध्यान दो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है ये, अब n2 भी 50 है, ये आ गया 50, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है, ध्यान देना मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क बना रहा हूं, प्लस
एन वन फिर 50 है और डी वन हमने अभी फाइंड किया 2 का स्क्वायर, ये आ गया। एन टू 50 है, डी टू कितना है माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया। अपॉन एन वन प्लस एन टू कितना हो गया 100। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग द बोथ साइड, तो पहले हमें ये सब दिया हुआ है, इसको पहले तो अंदर सिंप्लीफाई कर लें। 50 इंटू 4 200, 50 इंटू एन टू का स्क्वायर प्लस फिर ये भी 200 आ गया, ये भी 200 अपॉन 100। अब जब हम इसको स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएंगे, ये आ गया 10.5 इज इक्वल टू 200 प्लस 50, ये देखो स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 200 प्लस 200 अपॉन 100। अब ये 100 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारे पास 10.5 इंटू 100 कितना आ जाएगा 1050 और इक्वल टू 600 प्लस 50 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये देखो ये इक्वेशन आ गई। सिंप्लीफाई किया, ये हम इधर ले गए 600 तो ये आ गया 450। 50 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 450, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 450 अपॉन 50 कितना आ गया 9। अब ये स्क्वायर है तो कितना होगा सिंगल 3, तो इसका मतलब ये देखो ये वाली वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी ये आ गया हमारे पास आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकेंड इज 3। तो दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली, मीन ऑफ द सेकेंड 6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकेंड 3। इसको ध्यान से आप एक बार और देखोगे, जब इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से सुनोगे और रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर टोटली कंप्लीट हो चुका है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और यहां तक आपका प्रताप वालों से बात कर रहा हूं, बाकी सब्सक्राइबर का क्या क्या सिलेबस है बेटे आपका, आपके स्कूल में जो सिलेबस है वो मुझे आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो मैं आपके सिलेबस की वीडियोस आपको भेज दूंगा। और फिर प्रताप वालों का जितना सिलेबस है मैं अभी इस समय फिलहाल उस पर बात कर रहा हूं। तो आपका सिलेबस बेटे इतना ही था, अप टू UT2 यूनिट टेस्ट 2 तक का सिलेबस हमारा कवर हो गया। हम इसी को अब रिवाइज करेंगे क्योंकि जल्दी हमें कुछ है नहीं, और आपको पता है कि प्लस वन में हम आपके 2 चैप्टर्स जो हैं जो आपके प्लस टू में आने हैं वो शुरू से ही करेंगे। एक तो मनी का पूरा हम करेंगे, और मनी और बैंकिंग, और एक हमारे पास सेकंड पूरी यूनिट है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, यानी ये कंप्लीट 2 चैप्टर्स कह लीजिए 3 कह लीजिए लेकिन 2 यूनिट्स हैं अपने आप में। और ये प्लस टू में हमारा 12 मार्क्स का सिलेबस है, वो हमारा प्लस वन में ही हो जाएगा, लेकिन वो तभी होगा जब हम ये साथ साथ करते रहें, सीखते रहें और अपनी लगन बनाए रखें। और उम्मीद है आप सभी ऐसा ही कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।